हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी लोहिए की सब्ज़ी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि मतलब देसी लोहिया क्या होता है, और ये मार्केट में भी बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ज़्यादातर ये खेतों में लगता है, वैसे लोग घर पर भी उगाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है इनकी सब्ज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मतलब छोटे साइज़ के भी आते हैं और बड़े साइज़ के भी आते हैं। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ के लिए हैं। अगर आपको छोटे साइज़ के मिले तो आप उनको डायरेक्ट काट लीजिए, उनका मतलब छिलका नहीं उतारना होता है क्योंकि वो कच्चे होते हैं। और ये थोड़े पके हुए हैं तो मैंने इनका जो छिलका है वो उतार लिया है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये छिलका है, ये हमें यूज़ में नहीं लेना है। और ये अंदर से भी पका हुआ है, तो इसके अंदर अगर आपको लगता है कि पके हुए बीज हैं तो वो आप निकाल दीजिए। पके हुए बीज हमें काम में नहीं लेने। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर पके हुए बीज थे, तो वो मैंने अलग कर दिए हैं। और इसके मतलब बीज का कवर, जैसे छिलका भी हमने उतार दिया, अंदर का पार्ट भी हटा दिया, अब इस बीज का छिलका हमें लेना है, बीज का पार्ट हमें लेना है। उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, बस इतना ही करना है आपको यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुकर के अंदर बनाते हैं। कुकर के अंदर सबसे पहले डालेंगे हम सरसों का तेल, और इस तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद में मैं इसके अंदर आधी चम्मच के करीब जीरा डाल दूँगी, और जीरे को थोड़ा सा चटकने देते हैं, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। तो ये देखिए जीरा हमारा अच्छे से चटकने के बाद में मैं इसके अंदर दो कटे हुए प्याज डाल देती हूँ और एक कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ। दोनों चीज़ों को हम साथ में ही डाल सकते हैं क्योंकि हमें फ्राई करनी होती है दोनों ही चीज़ें। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे मतलब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाना चाहिए, इतना हमें फ्राई करना है इनको। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे बाकी कटे हुए टिंडे भी बोलते हैं इनको, लोहिया भी बोलते हैं हमारे राजस्थान में, तो इनको लोहिया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना अगर आप इसके बारे में जानते हो। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है लगभग 2 मिनट तक, और गैस का फ्लेम मीडियम करके इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है इस तरीके से। कुछ बहुत आसान है इनकी सब्ज़ी बनाना, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता किसी को तो उसके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो ये देखिए हमारे जो टिंडे हैं वो अच्छे से फ्राई होने के बाद में मैं इसके अंदर मसाले डाल देती हूँ। तो मैंने आधी चम्मच के करीब इसके अंदर हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी का कलर, मतलब पूरी सब्ज़ी के अंदर हल्दी का कलर अच्छा सा आ जाए, और नमक से, नमक मैं पहले इसीलिए डालती हूँ हर सब्ज़ी में ताकि वो जल्दी, नमक से सब्ज़ी गल जाती है थोड़ी सी जल्दी, और उसका जो फ्लेवर टेस्ट होता है वो भी पूरी सब्ज़ी के अंदर अच्छे से चला जाता है। अब हम बाकी के सभी मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डाली है, 1 चम्मच के करीब ही डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, और दोनों चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा कलर आया है। इसके अंदर हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बट आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बट और नहीं तो इसके अंदर काफ़ी सारा पानी होता है वैसे ही, क्योंकि हरी सब्ज़ी के अंदर तो वैसे ही बहुत सारा पानी होता है। इसके अंदर मैंने 1 कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर दही या छाछ भी डाल सकते हो अगर टमाटर नहीं डालना चाहते हो। और बिल्कुल मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, ये वैसे ही काफ़ी पानी की होती है। जैसे हम तरबूज देखते हैं, तरबूज खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, बिल्कुल वैसी ही होती है, इसके अंदर भी बहुत सारा पानी होता है। तो बस मैंने मिक्स कर दिया है, और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। लहसुन का पेस्ट तो कोई भी सब्ज़ी हो उसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट ला देता है। लहसुन के पेस्ट को भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। बस हमारी सभी चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन, और सिर्फ एक ही सीटी लगवानी है हमें। आप या इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हो और एक सीटी में भी बनवा सकते हो, एक सीटी लगवाने इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये गलती बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ही सॉफ्ट होती है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने अंदर का पिल्स लिया है इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर का ढक्कन ओपन कर दिया है, हमारी सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब बनी है ये। मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।